नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका इस ट्रेवल जर्नी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। स्वागत करते हैं एक नए एपिसोड का। सो भक्तों, अगर आप उज्जैन में आ रहे हैं, अगर आपको यहां रात को रुकना हो, महाकालेश्वर भक्त निवास है, वहां पे आप रुक सकते हैं। जय श्री महाकाल। जैसे ही आप इस गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले गार्ड साहब मिलेंगे। अगर आपके अंदर बुकिंग है तभी गाड़ी लेके आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आपको वहाँ बगल में पार्क करनी पड़ेगी, उसका शुल्क देना पड़ेगा 25 रुपये। सो दोस्तों, जैसे ही आप इधर से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये पूछताछ कार्यालय मिलेगा, यहाँ पे अपने जूते चप्पल आप उतार सकते हैं। मेरे इस साइड में भारत माता मंदिर। सो भक्तों, जैसे ही आप इस भारत माता मंदिर पे आएंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा भारत का मानचित्र बना हुआ है और जितने भी पर्यटक स्थल हैं, राज्य हैं, उसको दिखाया गया है इस मानचित्र में। इधर की बार मेरी सीढ़ी है, सीढ़ी से आप ऊपर भारत माता के मंदिर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय गीत हमारा लिखा हुआ है, वंदे मातरम। सुबह को देख सकते हैं आप, ये उज्जैन का भारत माता मंदिर। आप आए उज्जैन तो यहीं रुकें, यहाँ दर्शन करें और सामने ही महाकालेश्वर भक्त निवास है, वहाँ ठहर जाएं और बगल में ही महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ आप दर्शन कर लें। चलिए आगे चलते हैं। सुबह को जैसे अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें, यहाँ पे रूम स्टार्टिंग है अगर आप सिंगल हैं, और सिंगल का 400 रुपये है, लेकिन उसमें अटैच बाथरूम नहीं होगा, बस अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं होगा, वो 400 रुपये मिल जाएगा सिंगल के लिए। अगर आप डबल के लिए लेना चाहते हैं तो डबल आपको 1100 रुपये मिल जाएगा, मस्त रूम मिलेगा। तो आप चाहे तो यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं और यहाँ पे एक रात गुजार सकते हैं। अब उतनी दूर आए तो अगर आपके पास बजट है तो आप यहाँ पे एक रात गुजारिए। देखिए, मंदिर के बाजू में यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है और यहाँ पे भारत माता का मंदिर है, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आप देख सकते हैं। और इधर ये देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा पार्क है, एकदम प्योर शांति महसूस हो रही है। सामने मेरे रिसेप्शन है, यहाँ पे अभी ये लॉबी एरिया है। अभी मैंने जो आपको दिखाया था उसका प्राइस था 1100 रुपये डबल बेड का। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप सिंगल हैं तो 400 वाला रूम कौन सा है। दोस्तों, लेट बाथ कॉमन का मतलब ये नहीं कि मतलब 100 लोग आ गए, उसमें मतलब है कि 10 व्यक्तियों के बीच में 3 लेटरिन बाथरूम है, तो आप यूज कर सकते हैं। 3-3-6 और 3-3-6 व्यक्ति एक साथ, एक साथ। तो भक्तों, जैसे आप इस श्री महाकालेश्वर भक्त निवास में रुके हैं, जैसे आप भक्त निवास से बाहर निकलेंगे तो इधर की ओर जा सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का सामान एंट्री गेट है, तो वहाँ से जाके आप एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट मंदिर के लिए। तो बहुत पास में यार, 400 रुपये में आप यहाँ पे रूम ले लें, यहीं पे रुक जाएं रात भर, और फिर यहाँ सुबह सुबह यहाँ से यहीं से आगे जाके दर्शन कर लें पैदल डिस्टेंस पे। कहाँ भटकेंगे, हाँ चलिए आगे लेके चलते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। काफी अच्छे, यहाँ से आप पूजा की सामग्री वगैरह, प्रसाद वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बैग वगैरह काफी सारे, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी करना चाहे तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। भक्तों, आप देख सकते हैं जैसे आप एक बार महाकालेश्वर भक्त निवास में रुकते हैं तब पर भी आप अंदर होके इसी गेट पे आएंगे, सामान्य एंट्री गेट पे, जिस तरह आप बाहर बाहर होके आएंगे, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, अगर बाहर से आप रुकते हैं उधर, मतलब बाहर से आप आते हैं, अगर महाकालेश्वर भक्त निवास में नहीं रुकते हैं आप तो बाहर जाते हैं, तो इधर से आएंगे। ये देखिए इधर की ओर मेरे एंट्री गेट है, मतलब दोनों रास्ते एंट्री गेट पे ही आते हैं। अगर आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करना है तो यहाँ से आप निशुल्क भोजन की कूपन प्राप्त कर सकते हैं और निशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ये महाकालेश्वर मंदिर समिति की तरफ से। ये देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, ये भोजन की, निशुल्क भोजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं।
भक्तों, जैसे आप वहाँ से टोकन लेके आप अंदर आएंगे, पहले अपना यहाँ जूता उतारेंगे, जूता पार्क करेंगे और यहाँ से निर्गम द्वार लिखा हुआ है, यहाँ से आप सीधे अंदर जाएंगे तो वहाँ पे खाने की थाली लगी हुई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भोजनालय। तो दोस्तों, अगर कोई भक्तगण यहाँ एक दिन के लिए निशुल्क भोजन कराना चाहता है तो आप ये अकाउंट नंबर है और यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है या ऑफिस है, इस ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकता है। तो एक दिन के लिए अगर आप भोजन कराते हैं तो आपको 25,000 रुपये अदा करने होंगे, ठीक है। अगर अपनी तरफ से आप एक दिन भोजन कराना चाहते हैं भक्तगणों को निःशुल्क, तो 25,000 आपको यहाँ पर देना होगा। तो दोस्तों, जैसे आप महाकाल के दर्शन से बाहर निकलेंगे तो आएगा ये प्राचीन गणेश मंदिर। ये यहाँ पे पुजारी जी हैं सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मुख्य पुजारी पंडित संजय देवटे। ये अति प्राचीन नामधारी गणेश मंदिर है, कम से कम 800-900 साल पुराना मंदिर है, मराठा शासन काल का बना हुआ है, पुराने काले पत्थर का। वो पूरे भारत में एकमात्र जो मूर्ति है नागधारी गणेश मंदिर। ये महाकाल मंदिर परिसर में था, सिक्योरिटी सुरक्षा के हिसाब से भी मंदिर बाहर आ गया। ये सिद्ध गणेश है, जो भी आपकी मन की इच्छा हो, इनके जो सीधे गान में आप बताएंगे वो आपकी पूर्ण इच्छा है। जय श्री गजानन। तो भक्तों, जैसे कि यहाँ पंडित जी ने हमें बताया, यहाँ पे आप आएंगे दर्शन करने, जैसे अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप सीधे यहाँ गणेश जी के कान में बताएंगे और वो इच्छा गणपति बप्पा आपको पूरा करेंगे। जैसे आप इस प्राचीन नागधारी गणेश मंदिर दर्शन करने के बाद जैसे आप बाहर निकलेंगे आपने सीधा आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ तो आएगा बड़ा गणेश मंदिर। अकाल मृत्यु हो मरे जो काल करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बम बम भोले, जय श्री महाकाल। लोग कहते हैं ये किसी से डरता नहीं, अरे क्या करूं पगली, महादेव के लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। बम बम भोले। सुकून नहीं मिलता दिखावे की मस्ती में, ए पगली क्या करूं जब खो जाता हूं मैं अपने भोले की मस्ती में। बम बम भोले, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा ये गणेश जी का मंदिर है। चलिए हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या। तो दोस्तों, जैसे आप गणेश मंदिर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये नवग्रह दर्शन है, आप इन नवग्रह दर्शन को भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बजरंग बली जी का दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप इस बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करेंगे उसके बाद आप सीधे इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर, तो इधर आपको विक्रमादित्य का टीला। तो जैसे ही आप आगे विक्रमादित्य की टीला की ओर जाएंगे तो विक्रमादित्य के टीला के गेट के बगल में ही भैरव बाबा का मंदिर है, छोटा सा, आप ये देख सकते हैं। काफ़ी आप लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी अच्छा लगता है। यहाँ उज्जैन में मेरे को अभी तक कम से कम 7-8 लोग मिल चुके हैं यार, मज़ा आ जाता है। आप लोग मिल जाते हो, अरे भैया आप यहाँ कैसे, जिंदगी को जियो, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, ये भी तो जिंदगी के पार्ट हैं। सो इन्जॉय में जियो, भौकाली में जियो, फुल बिंदास जियो। क्यों, क्लब जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, भौकाली दिखा सकते हैं, मंदिर भी तो जा सकते हैं, मंदिर दर्शन भी तो दिखा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं ना। इंसान वही सक्सेस होता है जो जिसके अंदर सब खुमिया, जो हर माहौल में ढल जाए। सामने है विक्रमादित्य जी का टीला, देख सकते हैं। दो भक्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने है विक्रमादित्य टीला का मेन गेट।
तो जैसा कि हम पहुंच गए हैं विक्रमादित्य जी के टीला के अंदर, ये काफ़ी अच्छी घूमने फिरने की जगह है और महाकालेश्वर मंदिर के करीब आधा किलोमीटर मंदिर के डिस्टेंस में ही है। आप जैसे आप मंदिर से बाहर निकलेंगे सीधी रोड है, सीधी रोड आना है आपको, गेट के अंदर से देखिए इस प्रकार से अंदर आएंगे सीधे। आगे का मेरे व्यू काफ़ी अच्छा, आप आगे का व्यू देख लीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारे इतिहास के बोर्ड लगे हुए हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप विक्रमादित्य टीला के अंदर आएंगे तो सामने देखिए मंदिर का मेन गेट है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे आप तो ऊपर वहाँ की उनकी मूर्ति बनी हुई है और वहाँ पे बहुत पूजा वूजा होती है उनके मंदिर टाइप का। और ये धार्मिक स्थल है, ये राजा नहीं वो एक बहुत ही महान व्यक्ति, इंद्र से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और ऊपर जाएंगे लिखा हुआ श्री राजे विक्रमादित्य महाराज नवरत्न दरबार। चलिए हम ऊपर जाते हैं, उसके बाद मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप विक्रमादित्य टीला के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये मंदिर मिलेगा और राजा विक्रमादित्य जी की मूर्ति है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये राजा विक्रमादित्य गुरु जी हैं, परमहंस स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज, जिन्होंने इस जगह की स्थापना की थी। सिंहासन वन है, यहाँ पे बैठ के वो न्याय करते थे, वो ऐसा न्याय करते थे दोस्तों, यहाँ उज्जैन के लोग दूर देवता भी उनसे न्याय कराने आते थे। देखा आपने इसी प्रकार ये राजा विक्रमादित्य की ये जीवनी है। आगे की जानकारी के लिए यहाँ से चलिए आगे की ओर चलते हैं। से आप राउंड करेंगे तो यहाँ पे काफी सारी और भी ऐसी मूर्तियां बनी हुई हैं। ये देख सकते हैं पूरा ये कितना भौगोलिक पूरा इस तरह पूरा देखिए समुंदर है, समुंदर मतलब नहीं पूरा तालाब है और काफी अच्छा नजारा है। यहाँ पुतलियाँ बनी हुई है देख सकते हैं, जैसे कि प्रभावती और विद्याधारी, इंदुमती, हरिमध्या, सुप्रिया, पद्मावती, काफ़ी सारे हैं और इनके जो उन्होंने हैं उसका इतिहास लगा हुआ है, लिखा हुआ है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि हम उज्जैन के श्री राजा विक्रमादित्य जी महाराज टीले में गए और उसके बारे में हमने जाना, यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी आपको बताई। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, अब हम आपको लेके चल रहे हैं श्री राजा विक्रमादित्य महाराज की जो इष्ट देवी थी हरसिद्धि माता। तो मैं आपको हरसिद्धि माता के मंदिर आपको ले चल रहा हूँ। आएंगे आप आधा किलोमीटर की दूरी पे आपको ये जय हरसिद्धि मां का मंदिर मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये जय हरसिद्धि मां का मंदिर अंदर से। तो भक्तों आप देख सकते हैं जिस प्रकार आप महाकालेश्वर मंदिर महादेव का दर्शन करें उसी प्रकार उज्जैन में महाकालेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर है ये हरसिद्धि माता का मंदिर। तो हरसिद्धि मंदिर का भी दर्शन जरूर करें। बाहर आगे उधर आगे ऊपर वाले में, वाह जय माता जी,
यहाँ पे हमें पंडित जी मिले हैं जो इन पे दीपों पे बताइए कुछ दर्शकों को। जो 1000 गया है कुछ लोग डेली आरती होती है और इसका खर्च करता 9500 रुपये डेली। हाँ डेली होता है, शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है माता जी। 1000 गया है कुछ लोग आरती होती है, ऊपर चल के 4 बंदे लगाते हैं आरती होती है। सो दोस्तों देख सो भक्तों आप देख सकते हैं जैसे कि हरसिद्धि माता का मेन मंदिर है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। अभी वहाँ काफ़ी भीड़ है, आरती हो रही है, फिर मैं चलिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। से डेली आरती होती है माता की, और एक दिन आपका एक दिन की आरती कोई भक्त करना चाहेगा तो उसका खर्चा आएगा 10000 रुपये। और अगर इसके लिए आपको वहाँ आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको 500 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी, उसके बाद 2 महीने बाद आपका नंबर आएगा। तो भक्तों उज्जैन के इस हरिसिद्धि मंदिर के अंदर आप आएंगे तो ये चिंता हरण गणेश मंदिर है, आप इसका भी दर्शन कर लें। सो दोस्तों देख सकते हैं इस हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर आप जैसे आएंगे तो शक्तिपीठ के बगल में यहाँ पे ये मंदिर है। यहाँ पर नीचे तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन ये छोटा सा हॉल है, वहाँ के जरिए मैं आपको माता के दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये अखंड जोत है, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, सिर्फ पुजारी ही जा सकते हैं, लेकिन उनके टाइम टाइम से जा सकते हैं। फिलहाल ये फूल है। तो भक्तों जैसे आप ये हरसिद्धि माता मंदिर की आरती देख के बाहर निकलेंगे तो आगे रामघाट है, तो चलिए रामघाट में आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे भी बहुत अच्छी आरती होती है, छिपरा नदी है, वहाँ लेके चलते हैं माता, बने रहिए। उज्जैन में आपको हर जगह पे ऐसे सोडे पानी वाले मिलेंगे, तब यहाँ पे सोडे पानी वगैरह पी सकते हैं और अपने पेट की गैस वगैरह को मिटा सकते हैं। आगे चलते हैं आप, ये मतलब जो जो मैं आपको यहाँ पे मंदिर दिखा रहा हूँ वो आप पैदल ही घूम सकते हैं। मतलब महाकालेश्वर मंदिर भी उतरे, वहाँ आपने 2-3 घंटे दर्शन किए, उसके बाद आए फिर प्राचीन गणेश मंदिर है, उसके बाद एक बड़ा गणेश मंदिर है, उसके बाद राजा विक्रमादित्य का टीला है। सो भक्तों हम पहुँच गए हैं इस उज्जैन का राम मंदिर, और देख सकते हैं लिखा हुआ श्री राम मंदिर पाटीदार समाज हनुमानगढ़ी रामघाट, ठीक है। तो ये राम मंदिर का मेन गेट है, और मेरे इस तरफ यहाँ पे से पहुँचेंगे तो इस तरफ श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति है, और मेरे इधर की ओर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। तो भक्तों राम मंदिर से जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर राम घाट है। यहाँ भगवान राम ने जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था तो दशरथ का पूछ लेता हूँ यार। तो भक्तों आप देख सकते हैं जिस तरह आप रामघाट पे आएंगे तो इस प्रकार आपके मंदिर के ऐसे मंदिर के छोटे छोटे बने होंगे। यहाँ पे आप काल सर्प दोष और चुभी जो जो अगर कुछ प्रॉब्लम आपको है, अगर आपको पता है तो आप उसकी पूजा करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है काल सर्प दोष पूजा प्रीत दोष मंगल शांति अन्न पूजन कार्य किया जाता है, अगर आप इच्छुक हो तो करवा सकते हैं। और आगे की ओर चलते हैं, आगे बहुत अच्छा यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं, मतलब काफ़ी शांति, मतलब छिपरा नदी के किनारे, और ये वो पावन भूमि है, ये वो पावन जगह है जहाँ पे श्री राम जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी का अस्थियाँ बहाई थी, अस्थियों का विसर्जन किया था। और जब राम जी वनवास को निकल चुके थे तो श्री राम जी के वन जाने के वियोग में श्री राधा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए थे,
तो जब वो यहाँ सिप्रा नदी के पास पहुँचे थे तो यहाँ पे उनको पता चला, किसी द्वारा पता चला कि नहीं, उनके पिताजी अब नहीं रहे, तो यहीं से उन्होंने अपने पिताजी के अस्थियों का पिंडदान किया था, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे बोट राइड वगैरह होती है, अगर आप बोट राइड वगैरह करना चाहें माँ शिप्रा नदी में तो आप कर सकते हैं। और बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सुकून, अगर रिलैक्स आप चाहते हैं तो यहाँ पे आके एकदम बैठ वगैरह घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शिप्रा क्लब उज्जैन के देखिए काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं घूमने के लिए। तो भक्तों, अगर आप इस शिप्रा नदी पे घूमने आए तो यहाँ पे ये बोट वगैरह राइड करना चाहते हैं, यहाँ पे टिकट वगैरह ले सकते हैं आप। और अगर आप 10 लोग से हैं तो आप उस बोट पे जा सकते हैं, वो शेयरिंग बोट देख लीजिए, वो शेयरिंग उस पे आप जा सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज से दिखा देता हूँ। उस पे देख रहे हैं आप, तो उस पे 5 लोग मिनिमम होने चाहिए तब वो जा सकती है। किराया 20 रुपये होगा एक जन का, उसका भी 20 रुपये पर पर्सन। तो उस वाले बोट का भी 20 रुपये प्रति पर्सन है, लेकिन उसमें 10 लोग कम से कम चाहिए। और इसमें अगर आप 5 लोग हैं तो 5 लोग मतलब 100 रुपये में ये घूम सकते हैं। तो देख सकते हैं आप रानी की कृपा, यहाँ पे भी रात को ठंड के मौसम में, दिसंबर चल रहा है, अभी लोग नहा रहे हैं, ये भाई साहब नहा रहे हैं, क्यों ठंड लग रही है, भयंकर ठंड लग रही है। अभी महाकाल की नगरी में लगे थे। तो भक्तों, जैसे ही आप शिप्रा नदी रामघाट का दर्शन करके आप आएंगे, आगे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रामानुज कोट, और यहाँ पे गुरुजी रहते हैं, यहाँ पे गुरुजी का निवास है, यहाँ पे जो इनके संस्थापक हैं, मेन गुरुजी हैं। चलिए हम उनसे मिलते हैं और इस उज्जैन मतलब अवंतिकापुरी के बारे में जानते हैं कुछ और जानकारी विस्तार से। दर्शकों, हम रामघाट पे शूट कर ही रहे थे, तो रामघाट के पीछे ये रामानुज कोट है, यहाँ पे गुरुजी हैं, इनसे हम यह अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका सप्त पुरी मानी जाती है, उसमें ये अवंतिकापुरी कही जाती है। और ये अवंतिकापुरी भगवान विष्णु की चरण स्वरूपा है, और अन्य अन्य पुरियाँ भगवान के अन्य अन्य अंगों के रूप में मानी जाती है, लेकिन सातों पुरियाँ मोक्षदा होती हैं, मोक्ष को देने वाली होती हैं। जो भी अवंतिकापुरी में निवास करता है भगवान के चरणों की शरण में रहता है, इसलिए उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। इस अवंतिका में एक ऐसी नदी बहती है जिसका नाम है क्षिप्रा, जो क्षिप्र ही जो इस नदी में स्नान करता है उसके जल्दी ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको बड़ी सुख शांति मिलती है। इस अवंतिकापुरी में हर 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है, जितने भी पूरे विश्व के साधु समाज हैं, सनातन धर्मी हैं, सब क्षिप्रा नदी के किनारे आकर के और शिविर लगाते हैं, और यहाँ पर साधु सेवा होती है, सत्संग होता है, यज्ञ होता है, और आगे राष्ट्र को कैसे चलाना है इसके लिए सभी साधु समाज मिल करके एक बैठक सम्मेलन करते हैं, उसका चिंतन होता है। इस नगरी को अमृतोद्भवा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अमृत की बूंदें नदी में गिरी थी जब देवासुर संग्राम हुआ था और अमृत कलश निकला था, तो कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इसको अमृतोद्भवा भी कहते हैं। इस नदी का नाम ज्वरग्नि भी है। जब भगवान नारायण और शिव जी का नदी का दूसरा नाम ज्वरग्नि, तो जब भगवान नारायण और शिव जी का परस्पर एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भगवान नारायण ने नारायण ज्वर छोड़ा था, तो वो ज्वर शिव जी को स्पर्श किया, तो उस ज्वर से संतप्त शिव जी यहाँ आकर के स्नान किए तो उनका ज्वर नष्ट हुआ।
इसलिए यहाँ नहाने पर बहुत से लोगों की रोगों की निवृत्ति होती है। इसी क्षिप्रा के किनारे एक बावन कुंड है, कालीय देह जिसको बोलते हैं, वो बावन कुंड में जो भी नहाता है उसको भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी जो भी ये बीमारी होती है भूत प्रेत आदि की, उससे निवृत्ति होती है। इस अवंतिका में महाकाल महाकालेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इसी अवंतिका में संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने 64 दिनों में समस्त विद्याओं का अध्ययन किया और आध्यात्मिक विद्या जिसको गीता ज्ञान कहते हैं, गीता के ज्ञान के रूप में वो भगवान ने यहीं पर अध्ययन किया और फिर उसी गीता के ज्ञान को महाभारत युद्ध में अर्जुन को भगवान ने सुनाया है। ऐसी अवंतिका नगरी है और यहाँ पर 84 महादेव भी है। श्रावण के महीने में महिलाएं और भक्तजन 84 महादेवों की जाकर के पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। इसी अवंतिकापुरी में सप्त सागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा रुद्र सागर है, गोवर्धन सागर है, विष्णु सागर है, क्षीर सागर है। क्षीर सागर इसलिए नाम है कि किसी समय वो सागर समुद्र दूध से भरा हुआ, क्षीर माने दूध, दूध से भरा हुआ रहता था किसी समय। इसलिए सप्त सागरों की पूजा भी होती है। लेकिन इसके पहले भी इस अवंतिकापुरी में 9 नारायण रहे हैं, तो 9 नारायण में सत्यनारायण, आदि नारायण, माधव नारायण, शेष नारायण, लक्ष्मी नारायण, ऐसे 9 नारायण का यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी है। तो उसकी भी जब अधिक मास होता है तो भक्तजन 9 नारायण 84 महादेव तो सप्त सागर की पूजा करते हैं। इस प्रकार से यह अवंतिकापुरी एक दृष्टि से तीर्थमयी नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है और महाराजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की नगरी भी यही अवंतिका है, जिन महाराज विक्रमादित्य ने सप्तपुरियों का उद्धार किया था अपने समय में। मतलब पांडव काल के बाद यदि सप्तपुरियों का उद्धार हुआ तो महाराज विक्रमादित्य ने किया था। वही विक्रमादित्य के द्वारा किया हुआ जो सप्तपुरियों का उद्धार में बना हुआ राम जन्मभूमि थी, उस राम जन्मभूमि को आगे चल कर के यवन आक्रांताओं ने ध्वस्त किया और आज भी विक्रमादित्य के समय के वहाँ पर जो स्तंभ है, कृष्ण स्तंभ जिनको शालिग्राम स्तंभ और कृष्ण काले खंबे कहते हैं, वो आज भी जब मंदिर वो खुदाई की गई तो उसमें से निकले हैं। तो इस प्रकार से और यही विक्रमादित्य के राजा, इसी अवंतिका के एक राजा ने जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है उसका भी विस्तार किया। इस प्रकार से यह अवंतिका किसी समय इस पूरे राष्ट्र भारत की राजधानी भी रही है और बड़े धर्मात्मा राजाओं की राजधानी थी। इसलिए राजनैतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और शांति की दृष्टि से ये अवंतिका एक बहुत बड़ा तीर्थ और रहने का स्थान है। इसलिए सभी भक्तों को आना चाहिए, यहाँ दर्शन करना चाहिए और क्षिप्रा स्नान करना चाहिए। आप देख सकते हैं सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी हमें लाइन में लगे करीब आधा घंटा हो गया है और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब हमारे मित्रगण हैं। तो देखिए अभी आगे क्या प्रक्रिया होती, कितने बजे तक हम भस्म आरती का दर्शन कर पाते हैं, जो भी होता है दिखाते हैं आपको, बने रहिए। ओम नमः शिवाय। मंदिर के भस्म आरती देख के अभी बाहर निकल चुके हैं। हम 3:30 बजे से लाइन में लगे थे और अभी 6:10 हो रहे हैं और हम अभी बाहर निकल चुके हैं।
दिखाते हैं, वो कुंड दिखाते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी अपने वस्त्र धोया करते हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार चिता जल रही है यहाँ पे। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी करीब से लाइव चिता जलते हुए देख रहा हूँ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण।